हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई होप ऑल आर डूइंग वेल। सो हम बात करेंगे सिंटेक्स प्लास्टिक शेयर के बारे में। मैंने आपको बताया है कि ये शेयर काफ़ी रिस्की है। इसका आज का प्राइस है 3.15 एंड -0.63% का रिटर्न दिया है। फ्रेंड्स, इस शेयर से रिलेटेड एक न्यू अपडेट आ चुका है। इनकी क्वार्टर टू का रिजल्ट 52 वीक हाई है 16 रुपीज़ के आसपास, लो है 3 रुपीज़ के आसपास। 5% का सर्किट है फ्रॉम 7। मार्केट कैप है 200 करोड़ का। टर्नओवर है 6 लाख समथिंग का। फेस वैल्यू 1 है। सो फ्रेंड्स, रिजल्ट कैसा आया है इसे जानते हैं, क्योंकि एक लॉस मेकिंग कंपनी है तो जानना है कि लॉस कितना आया है। फंडामेंटल्स देखें तो बहुत ही नेगेटिव है। मैं आपको हमेशा बताती हूँ, प्लास्टिक प्रोडक्ट्स बनाती है कंपनी। आज इनका बाइंग में देखिए था 1,95,000, सेलिंग में था 53,000। तो फ्रेंड्स, शेयर की आपको पता है सब्सिडरी कंपनी है जो सिंटेक्स इंडस्ट्री, वो भी फ्रेंड्स CIRP केस चल रहा है, तो थोड़े रिस्की हैं ऐसे शेयर्स। डॉक्यूमेंट ओपन कर लेते हैं, जानते हैं कि रिजल्ट कैसा आया है, बिकॉज रिजल्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है किसी भी शेयर के आगे के नेक्स्ट लेवल्स को जानने के लिए। तो वैसे मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि शेयर रिस्की है, आपको दूर रहना चाहिए। हो सकता है जैसे इनकी सिंटेक्स इंडस्ट्री में CIRP चल रही है तो इनके भी चांसेस हैं, बिकॉज लॉस बहुत ज़्यादा है, बट अभी तक ऐसा कुछ अपडेट नहीं आया। स्क्रॉल डाउन करते हैं, जानते हैं रिजल्ट कैसा आया है, लॉस कम हुआ है या लॉस बढ़ा है। तो स्क्रॉल डाउन करते हैं फ्रेंड्स, दिस इज द रिजल्ट। तो फ्रेंड्स, सेप्टेम्बर क्वार्टर में जो टोटल इनकम आई है वो आई है 278 करोड़। पिछली बार थी 274 करोड़ और लास्ट ईयर थी 253 करोड़। तो टोटल इनकम तो बड़ी है, बट एक्सपेंसेस आए हैं 314 करोड़ के। पिछली बार थे 307 करोड़, लास्ट ईयर थे 222 करोड़ के। तो फ्रेंड्स, जो लॉस आया है वो है 36.84 करोड़ का। पिछली बार था 34.10 करोड़ का और लास्ट ईयर था 31.12 करोड़। तो फ्रेंड्स, लॉस बड़ा है। अगर हम क्वार्टरली कंपेयर करें तो 36.84 करोड़ का लॉस आया है, तो लॉस थोड़ा सा बड़ा है। और इतना ज़्यादा लॉस फ्रेंड्स, कम लॉस भी नहीं है, लॉस भी ज़्यादा है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो हम नेक्स्ट टारगेट्स इसमें क्या देख सकते हैं, और फ्रेंड्स CIRP भी हो सकती है तो आपको थोड़ा अवॉइड करना चाहिए इसमें, क्योंकि इनकी सब्सिडरी कंपनी सिंटेक्स इंडस्ट्री भी में भी कोर्ट हियरिंग ही चल रही है। सो ये सारी चीज़ें हैं, सारा रिजल्ट है, बट मेन जो मैंने आपको बताना था कि इनका लॉस बड़ा है वो मैं आपको बता चुकी हूँ। नेक्स्ट टारगेट्स आप इसमें क्या लेके चलेंगे, डाउन ट्रेंड टारगेट ही लेके चलिए। 3 रुपीज़ तक जा सकता है इनका। यहाँ भी रिजल्ट अभी अपडेट नहीं हुआ, बट अपडेट हो जाएगा जल्दी ही। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो 7% के आसपास है प्रमोटर होल्डिंग, बाकी पब्लिक की है, तो प्रमोटर्स भी ज़्यादा नहीं है। और आज 100% डिलीवरी उठाई गई है। तो आई होप आपको रिजल्ट समझ में आ गया होगा। कोई नेक्स्ट अपडेट आता है मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। चैनल को किया है फर्स्ट टाइम विजिट, कर दीजिए सब्सक्राइब।